It's all right. Hush. So, hello guys, मैं वाणी में शेयर करूँ मैं YouTube चैनल एपी मोटो व्लॉग्स। तो गाइस आप लोग कैसे हो, करते सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया रहना मेरे तरह। तो गाइस बहुत लोग है जो भी ऑलरेडी सीसी के बाइक लेने के लिए मतलब कंफ्यूज है। मतलब इंडियन मार्केट में गाइस बहुत सारे कंपनी जो है अभी नया नया मॉडल लॉन्च कर दिया, E20 फ्लेक्स फ्यूल के साथ ओबीडी 2 जो लॉन्च हो चुका है। तो आज हम लोग बताने वाले हैं होंडा SP125 जो 2023 में लॉन्च हुआ है एंड बजाज की तरफ से लॉन्च हुआ है, बजाज पल्सर 125। इसमें भी गाइस बहुत सारा चेंजेस हुआ है एंड इसमें भी गाइस आप लोगों को बहुत सारा चेंजेस जो है देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आप लोग इन दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल चॉइस करोगे एंड आप लोगों के लिए कौन सा मॉडल जो है बेहतर होगा इसमें कंफ्यूज हो तो आज का वीडियो गाइस जरूर एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप दोनों बाइक के बारे में डिटेल्स में कॉम्पिटिशन करूंगा एंड किस मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, किस में नहीं मिलते हर एक डिटेल्स इस वाले वीडियो में मिल जाएगा। अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं सर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहता हूं आप लोगों के लिए इस वाले चैनल पे। और लास्ट में बताऊंगा गाइस मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए कौन सा बाइक जो बेस्ट होगा। तो चलो गाइस इधर पे ज्यादा बकवास करें, कुछ भी फायदा नहीं है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस होंडा SP125 जो 2023 मॉडल पे लॉन्च हुआ है एंड बजाज पल्सर 125 जो 2023 मॉडल पे लॉन्च हुआ है, इस दोनों मॉडल पे इस कंपनी ने बहुत सारा अपग्रेड किया, बहुत सारा चेंजेस आप लोग देखने को मिलता है इस नए मॉडल पे। तो मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि दोनों मॉडल में क्या क्या डिफरेंसेस है एंड कौन से मॉडल पे जो फीचर्स ज्यादा है एंड कौन ज्यादा बेहतर है, इसमें कौन सा चीज मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा, हर एक डिटेल्स मिल जाएगा। चलो गाइस पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है गाइस लुक्स। होंडा SP125 जो है फ्रंट लुक आप लोग देख सकते हो, फ्रंट में गाइस आप लोग ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिलता है, विंडशील्ड के ऊपर गाइस आप लोग होंडा का बैजिंग मिलता है एंड जो ग्राफिक्स वगैरह है ना कॉस्मेटिक चेंजेस होंडा एसपी में बहुत सारा हुआ है, नया ग्राफिक्स आप लोग देखने को मिलता है, डिजाइन वगैरह देख सकते हो नया मिलता है एंड कलर्स भी आप लोग चेक कर लो, नया नया गाइस कलर स्कीम भी आप लोगों को होंडा SP125 देखने को मिलता है एंड लुक्स में तो उतनी ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है। मतलब जो फ्यूल टैंक के वाइजर वगैरह में आप लोगों को कुछ भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा होंडा SP125 पे। SP125 मुझे थोड़ा इस कम्यूटर सेगमेंट में ज्यादा लगता है, मतलब स्पोर्टी डिजाइन स्पोर्टी लुक उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता है। अगर इससे कंपेरिजन में बजाज पल्सर 125 की बात करूँ तो इसका जो लुक्स देख सकते हो फ्रंट में आप लोगों को मिलता है डुअल टोन कलर स्कीम, ग्रे कलर एंड ब्लैक कलर के साथ विंडशील्ड देखने को मिलते हैं, ग्राफिक्स वगैरह भी आप लोग देखने को मिलते हैं येलो कलर स्कीम पे। ये जो कलर स्कीम है गाइस एकदम ही नया इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। साइड का लुक भी आप लोग देख सकते हो, फ्यूल टैंक एंड जो बॉडी वगैरह है बॉडी का पेंट ग्राफिक्स भी नया मिलता है आप लोग पल्सर 125 पे। सिंगल सीट में गाइस आप लोग इंजन काउल वगैरह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गाइस स्प्लिट सीट पे इंजन काउल वगैरह देखने को मिलता है। तो पल्सर 125 जो है मुझे ज्यादा स्पोर्टी डिजाइन लगता है, स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन आप लोग देखने को मिलता है। होंडा एसपी में गाइस आप लोग सिर्फ सिंगल सीट ही मिलता है, लेकिन पल्सर 125 जो स्प्लिट सीट है उसका गाइस लुक्स जो है मुझे पर्सनली ज्यादा स्पोर्टी डिजाइन लगता है। तो चलो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है गाइस प्राइसिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। होंडा एसपी 125 इन कोलकाता ऑन रोड प्राइस डिक्स वेरिएंट है अप्रोक्स गाइस 1,06,000 के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगा एंड पल्सर 125 का जो ऑन रोड प्राइस है इन कोलकाता 1,11,000 के आसपास आप लोगों को पड़ जाएगा। तो प्राइसिंग में भी गाइस बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, कुछ रुपए का डिफरेंस है होंडा एसपी 125 एंड बजाज पल्सर 125 में। तो चलो गाइस थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट जो चेंजेस है आप लोग देख सकते हो होंडा का जो फ्रंट का हेडलाइट है वो गाइस आप लोग स्प्लिट एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। इससे गाइस नाइट टाइम पे जो विजिबिलिटी है होंडा एसपी का आप लोग बहुत ही बढ़िया मिलेगा, ब्राइट है बहुत ही ज्यादा हेडलाइट, लेकिन डीआरएल वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बजाज पल्सर की बात करूं अभी भी गाइस आप लोग फ्रंट में मिलता है गाइस आप लोग हैलोजन हेडलैम्प एंड बल्ब पायलट लैम्प मिलता है, इसमें अभी भी गाइस आप लोग एलईडी वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट पर की बात करूं वो है गाइस ब्रेकिंग। दोनों मॉडल पे गाइस आप लोग फ्रंट में 240mm का डिस्क मिलता है एंड रियर पे मिलता है गाइस 130mm का ड्रम। दोनों मॉडल पे ही गाइस आप लोग डिस्क एंड ड्रम ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड पे जो प्राइसिंग पे भी आप लोग थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों मॉडल पे ही गाइस आप लोग CBS मिलता है, मतलब कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। और फ्रंट ब्रेक यूज करते हो तो रियर ब्रेक 30% ऑटोमेटिक यूज होता है, अगर रियर ब्रेक यूज करते हो तो गाइस फ्रंट ब्रेक ऑटोमेटिक यूज होगा। लेकिन जब मैं दोनों बाइक को राइड किया ना, मुझे होंडा एसपी जब मैं राइड किया ब्रेकिंग बाइक उतना ज्यादा मुझे बढ़िया नहीं लगा, मतलब अच्छा है लेकिन जब भी मैं कंपेयर करूँ बजाज पल्सर 125 के साथ तो बजाज पल्सर 125 का जो ब्रेकिंग बाइट है मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगा। फ्रंट ब्रेक का जो बाइट है, पहली ब्रेकिंग अगर करोगे ना फ्रंट डिस्क का जो बाइट है ना गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलता है, तो इसके वजह से बजाज पल्सर का जो ब्रेकिंग है मुझे पर्सनली अच्छा लगा। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ वो है गाइस व्हील्स के बारे में। मतलब फ्रंट में आप लोगों को होंडा एसपी में मिलता है 18 इंच का एलॉय व्हील, इसके कंपैरिजन में बजाज पल्सर 125 की बात करूँ उस पर मिलता है आप लोगों को 17 इंच का एलॉय व्हील। तो 1 इंच का गाइस डिफरेंस है, बजाज पल्सर का जो एलॉय व्हील है 1 इंच कम है होंडा एसपी से, लेकिन पल्सर 125 का जो एलॉय व्हील है गाइस उसका डिजाइन एकदम ही नया डिजाइन आप लोगों को मिलता है, जो पहले आप लोगों को देखने को नहीं मिलता था, रीडिजाइन किया हुआ है एंड रिम के ऊपर भी गाइस आप लोग ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलता है। तो डिजाइन वाइज तो मुझे भी गाइस पल्सर का जो नया एलॉय व्हील आया है ना वो ज्यादा बढ़िया लगा एंड फ्रंट पे जो डिस्क है वो भी गाइस पल्सर का नया चेंज कर दिया है।
एंड गाइस अगर टायर की बात करूं दोनों मॉडल पे ही फ्रंट पे आप लोगों को सेम टायर साइज देखने को मिलेगा। 80/100 सेक्शन की फ्रंट पे ट्यूबलेस टायर मिलता है एसपी में भी एंड पल्सर 125 में भी। लेकिन अगर रियर सेक्शन की बात करूं होंडा एसपी गाइस फाइनली इंडियन मार्केट पे जो होंडा एसपी आया है उसमें रियर टायर का प्रोफाइल जो चेंज कर दिया। पहले आप लोगों को मिलता था 80/100 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर, लेकिन गाइस अभी आप लोगों को मिलेगा 100/80 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर जो बहुत ही ज्यादा गाइस इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे कस्टमर जो है रियर टायर के लिए होंडा एसपी 100 में बाय नहीं करते थे, लेकिन फाइनली गाइस होंडा एसपी भी आप लोगों को जो रियर टायर है वो चेंज कर दिया। साइड के प्रोफाइल है बहुत ही ज्यादा थिन मिलता है। एंड इससे कंपेरिजन में बजाज पल्सर 120 की बात करूं तो उसमें गाइस रियर टायर जो है 100/90 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर मिलता है, मतलब 10 जो है होंडा एसपी से ज्यादा आप लोगों को ब्रॉड मिलेगा। एंड टायर प्रोफाइल भी आप लोग चेक करो तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सा बाइक का टायर प्रोफाइल ज्यादा बढ़िया लगा। नेक्स्ट बात करूं तो गाइस कार्ब वेट, होंडा एसपी जो कार्ब वेट है गाइस 117 केजी का कार्ब वेट देखने को मिलता है, बजाज पल्सर पे 140 केजी का कार्ब वेट देखने को मिलता है। तो बॉडी वेट जो है पल्सर का थोड़ा ज्यादा है होंडा एसपी से। तो अगर आप लोग राइड करोगे ना उस टाइम पे, मुझे पर्सनली जब मैं होंडा एसपी राइड कर रहा था उतना ज्यादा मुझे जो स्टेबिलिटी फील नहीं है, थोड़ा लाइट वेट है। अगर कुछ बुजुर्ग लोग चला रहे हैं तो उन लोगों के लिए इस वेट के लिए थोड़ा एडवांटेज हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी उतना ज्यादा मुझे फील नहीं आया। जब मैं पल्सर 120 चला ना उसका बॉडी वेट थोड़ा गाइस ज्यादा है, तो रोड को अच्छी तरीके से ग्रिप करके चल रहा था एंड राइडर को जो है और भी ज्यादा गाइस आप लोगों को स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस फील देगा इस वेट के वजह से। एंड मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं होंडा एसपी ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm एंड पल्सर का 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो पल्सर जो है होंडा एसपी से थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। अगर इंडियन रोड की स्पीड ब्रेकर की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल स्पीड ब्रेकर होता है, तो होंडा एसपी जो नीचे से गाइस टच होने के चांसेस है, लेकिन पल्सर का जो है थोड़ा आप लोगों को ज्यादा मिलेगा तो टच होने के चांसेस थोड़ा आप लोगों को कम मिलता है। सो गाइस चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, वो है सस्पेंशन। फ्रंट पे होंडा एसपी आप लोगों को मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रिफ्लेक्टर के साथ। पल्सर 125 भी सेम है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रिफ्लेक्टर मिलता है जो राइडर के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी फीचर्स है। एंड रियर सेक्शन पे अगर आते हैं तो रियर पे गाइस होंडा एसपी वाले मिलता है हाइड्रोलिक सस्पेंशन एंड बजाज पल्सर 125 मिलता है ट्विन गैस शॉक अब्जॉर्बर। तो जब मैं राइड कर रहा था दोनों बाइक को मैं टेस्ट राइड लिया एंड अच्छी तरीके से राइड किया तो होंडा एसपी का जो सस्पेंशन है उतना ज्यादा मुझे खास नहीं लगा। मतलब फ्रंट सस्पेंशन जो है वो गाइस सॉफ्ट है, रियर सस्पेंशन जो है मुझे गाइस थोड़ा हार्ड लगा और थोड़ा सॉफ्ट होता तो और भी ज्यादा मुझे कंफर्ट फील आता। लेकिन बजाज पल्सर को मैं खराब रोड पे भी राइड किया तो उधर पे जो है उतना ज्यादा मुझे जर्क फील नहीं आया। रियर सस्पेंशन भी बेहतर है एंड फ्रंट सस्पेंशन भी बहुत ही गाइस बढ़िया है, तो मुझे कंफर्ट ज्यादा फील है बजाज पल्सर 125 में। तो चलो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, वो है गाइस फ्यूल टैंक। दोनों में ही गाइस हमारा मेटल का फ्यूल टैंक मिलता है एंड टैंक काउल के साथ, तो दोनों का जो लुक्स है मुझे तो गाइस पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही ह्यूज हम लोग फ्यूल टैंक मिलता है। लेकिन कैपेसिटी की बात करूं एसपी 120 का कैपेसिटी है 11 लीटर एंड पल्सर 120 का कैपेसिटी है 11.5 लीटर। एंड दोनों मॉडल ही गाइस E20 फ्लेक्स फ्यूल के साथ जो आप लोग राइड कर सकते हो, मतलब 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल से जो है दोनों मॉडल ही गाइस आप लोग राइड कर पाओगे। माइलेज की अगर बात करूं बजाज पल्सर का तो माइलेज कम मिलेगा आप लोगों को क्योंकि उसका बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा है, 50 से 55 तक गाइस एप्रोक्स माइलेज मिल जाएगा, लेकिन वो भी गाइस राइडर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी तरीके से राइड करते हो तो उससे भी ज्यादा आप लोग माइलेज निकल पाओगे। अगर एसपी 120 की बात करूं तो गाइस आप लोगों को 50 से 60 तक माइलेज तो गाइस इजीली मिल जाएगा। लेकिन होंडा एसपी में एक फीचर आप लोग इंस्ट्रो कस्टमर मिलता है वो है गाइस इको लाइट। जैसे आप देख पा रहे हो अगर आप लोग इको मोड पे आप लोग इस बाइक को राइड करोगे तो माइलेज जो है और भी आप लोग ज्यादा मिलेगा। एंड आप लोग इको मोड पे राइड कर रहे हो इसको इंडिकेट करने के लिए आप लोगों को इंस्ट्रो कस्टमर पे ऊपर में ग्रीन कलर का लाइट मिलता है। अगर इससे कंपेरिजन में पल्सर की बात करूं तो आप लोग इको लाइट जो है देखने को नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट मतलब ये बात करूं तो पल्सर 125 जो है फाइनली गाइस आप लोगों को मिलता है फ्यूल इंजेक्टर के साथ, मतलब FI हो गया है। पहले जो आप लोग पल्सर आता था ना उसमें गाइस आप लोगों को मिलता था इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर एंड उधर पे गाइस आप लोगों को फ्यूल कैप जो है इसको रिजर्व ऑन ऑफ करने के लिए एक टी मिलता था। लेकिन अभी गाइस नया पल्सर पे आप लोगों को ये फीचर जो देखने को नहीं मिलेगा, इसमें अभी गाइस आप लोगों को मिलता है FI। तो बजाज पल्सर 125 पे जो पेट्रोल है पेट्रोल का एक एक बूंद अभी गाइस ब्लास्ट होगा तो माइलेज जो है पहले से थोड़ा ज्यादा आएगा। एक डिफरेंस मुझे फील आया जब मैं पल्सर को राइड कर रहा था, पावर लैग पहले का जो मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर था तो आप लोग अचानक से थोड़ा घुमा तो उस टाइम भी गाइस आप लोग हल्का सा लैग फील होता था। लेकिन अभी नया मॉडल पे सारे चीज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि FI हो गया है एंड पावर जो है एकदम भी लैग मुझे फील नहीं आया नया पल्सर 125 में। तो चलो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है गाइस इंजन। होंडा एसपी पे अगर इंजन पावर की बात करूं एयर कूल 124cc का इंजन मिलता है एंड 10.72 bhp एट द रेट 7500 rpm प्रोड्यूस करते हैं। पल्सर 125 सेमी सीसी का इंजन है लेकिन पावर में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को। 11.64 bhp प्रोड्यूस करते हैं एट द रेट 8500 rpm, मतलब bhp जो है पल्सर का ज्यादा है होंडा एसपी से। अगर टॉर्क की बात करूं होंडा एसपी में मिलता है 10.9 Nm एट द रेट 6000 rpm एंड पल्सर का जो है 10.8 Nm एट द रेट 6500 rpm। तो टॉर्क में थोड़ा आप लोगों को ज्यादा जो है
पल्सर में देखने को मिलता है। लेकिन पल्सर में एक चेंजेस है गाइस, इसमें गाइस अभी DTS आई जो सिस्टम था, मतलब टूइंग स्पार्क प्लग जो पहले आप लोगों को मिलता था, लेकिन नया मॉडल पे ये देखने को नहीं मिलेगा। DTSI फिट टेक्नोलॉजी जो है बजाज ने अभी हटा दिया है इस वाले मॉडल पे। एंड 5 गियर मिलता है OBD2 फेस टू लिफ्ट के साथ, दोनों मॉडल आपको देखने को मिलेगा। तो चलो गाइस नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, वो है गाइस हैंडल बार। देख सकते हो होंडा SUV जो हैंडल बार है वो स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है, क्लिप ऑन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसे कंपैरिजन पे आप लोग पल्सर 100 देखते हो तो उस पे गाइस आप लोगों को मिलेगा क्लिप ऑन हैंडल बार। तो जब राइड करोगे राइडिंग एक्सपीरियंस ना आप लोगों को क्लिप ऑन पे ज्यादा बढ़िया मिलता है, पोस्चर थोड़ा अलग मिलता है। अगर आप लोग फिल्टरिंग करते हो ट्रैफिक कंडीशन पे तो आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा क्लिप ऑन हैंडल बार पे। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं वो है गाइस स्विचेस। होंडा SUV जो स्विच मिलता है वो गाइस बहुत ज्यादा प्रीमियम है, लेकिन मुझे पर्सनली गाइस पल्सर 100 का जो स्विच है ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि उसमें गाइस लाइट्स मिलता है। जब नाइट के टाइम पर राइड करोगे ना वो स्विच लाइट के लिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम टच देता है, मुझे तो पर्सनली गाइस बहुत ही बढ़िया लगता है। KTM एंड बजाज के मॉडल पे आप लोग देखने को मिलता है स्विच पे लाइट्स, जो होंडा SUV आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोनों मॉडल पे ही गाइस किक एंड सेल्फ स्टार्ट मैकेनिज्म मिलता है, तो ये चीज़ मुझे गाइस बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब FI होने के बाद भी आप लोगों को किक मिलता है, बहुत सारे ब्रांड जो इसको हटा दे रहा है, लेकिन अभी किसी भी टाइम पे बैटरी डेड हो जाए ना उस टाइम पे किक जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो चलो गाइस नेक्स्ट पर की बात करता हूं, वो है गाइस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोनों मॉडल पे ही गाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, टाइम नंबर, टाइम नेविगेशन वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन होंडा SUV जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इसमें गाइस स्पीड, फ्यूल गेज, गियर पोजिशन इंडिकेटर, क्लॉक, रियल टाइम माइलेज जो है देखने को मिलता है। एंड जो बजाज पल्सर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो अभी गाइस आप लोग नया देखने को मिलेगा। इसमें गाइस अभी आप लोगों को पल्सर 150 का 220 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वही देखने को मिलता है, मतलब एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। RPM मीटर जो है उसको वो गाइस आप लोग एनालॉग पे मिलता है, बाकी सारा चीज जो है वो डिजिटल पे मिलता है। स्पीड, फ्यूल गेज, टाइम, साइड स्टेयर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसमें गाइस और एक फीचर जो एड ऑन हुआ है वो है गाइस DTE डिस्टेंस टू MT, मतलब बाइक में अभी कितना पेट्रोल है और कितना किलोमीटर बाइक जो अभी चल पाएगा वो भी गाइस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही आप लोग कैलकुलेटर का दिखा देगा। नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो मुझे गाइस पल्सर का ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि RPM मीटर जो एनालॉग पे उठता है जब आप रेव करते हो उस टाइम में मुझे तो गाइस पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है RPM मीटर एनालॉग होने के लिए। RPM मीटर जो है आप लोग होंडा SUV देखने को नहीं मिलता है, जो पल्सर पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज्यादा बेहतर लगता है, होंडा SUV 125 का या पल्सर 125 का। एंड दोनों मॉडल पे ही गाइस आप लोगों को डुअल स्टैंड एंड सिंगल स्टैंड का ऑप्शन मिलता है। एंड साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर भी है, जो राइडर के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी फीचर्स है। अगर साइड स्टैंड गिरा हुआ रहेगा तो आप लोग दोनों मॉडल को ही राइड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट अगर बात करूं वो है गाइस सीट के बारे में। होंडा SUV 125 का सीट है बहुत ही बड़ा सा सीट मिलता है, लेकिन थोड़ा हार्ड है, कुशनिंग उतना ज्यादा मुझे पसंद नहीं आया। अगर पल्सर 125 की बात करूं तो इसमें कैसे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सिंगल सीट एंड एक स्प्लिट सीट। दोनों मॉडल को ही मैंने राइड किया, दोनों मॉडल को डिटेल्स में मेरा चैनल पे वीडियो है। तो मुझे पर्सनली गाइस सॉफ्टनेस एंड सीट है पल्सर का ज्यादा बढ़िया लगा, बहुत ज्यादा कंफर्ट फील आएगा जब आप राइड करोगे, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है पल्सर का सीट। तो गाइस अगर आप लोग एक कम्यूटर सेगमेंट में थोड़ा जो है लुक्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, मतलब उतना ज्यादा स्पोर्टी लुक आप लोग का नहीं चाहिए, तो आप लोग गाइस होंडा SUV 125 ले सकते हो। उसका जो इंजन है गाइस मुझे ज्यादा रिलायबिलिटी जो है बजाज से होंडा का जो रिलायबिलिटी है मुझे ज्यादा अच्छा लगा जब मैं राइड कर रहा था। स्मूथनेस जो है होंडा का ज्यादा है एज कम्पेयर टू बजाज की, लेकिन बजाज का जो पल्सर 125 है उसका पावर थ्रिल जो इनिशियल टॉर्क है वो गाइस मुझे ज्यादा बढ़िया लगा। एंड माइलेज की बात करूँ SUV आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि गाइस बॉडी वेट थोड़ा कम है। एंड पल्सर का जो है बॉडी वेट थोड़ा गाइस ज्यादा है, एंड BHE टॉर्क भी गाइस पल्सर का जो है थोड़ा ज्यादा है, तो माइलेज थोड़ा सा आप लोग कम मिलेगा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो गाइस आप लोग पल्सर 125 का जो ज्यादा मुझे स्टेबिलिटी फील आया। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो गाइस बजाज पल्सर ही बाय करूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा गाइस स्पोर्टी डिजाइन पसंद है, पावर थोड़ा मुझे चाहिए, तो इसके लिए मेरा पर्सनल चॉइस अगर पूछोगे तो बजाज पल्सर 125। तो दोनों बाइक में यही गाइस डिफरेंसेस है जितना सारा मैं बता दिया, तो आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कौन सा बाइक जो है ज्यादा बढ़िया लगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर एक लाइक कीजिए, अगर मैं अच्छी बनाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। सो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो बाय।